ये सब हिस्सा अच्छा, उसका अच्छा, आप कौन हो? भतीजी हैं, भतीजी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके जो चाचा किए गलत किए? हम लोग मानते हैं कि मेरा फैमिली गलत किया आंटी, लेकिन हम लोग का ये सब हाथ नहीं है। बेटा से उसके मुंह में पेशाब कराया प्रमोद सिंह, आखिर ये प्रमोद सिंह का संस्कार क्या है? उनके चाचा जी से बात हुई तो बोलते महिला गलत है। अरे भाई महिला गलत है तो मुंह पे पेशाब कर दीजिएगा। आप अपना बाल बच्चों को यही सिखा, आपका का पोता लगता है ना? भतीजा है। जो पेशाब किया था वो कौन है? पेशाब हम करते देखबे ना कहीं तक किया है वो। हम लहर में गिए तो पूरा हमको कपड़ा उतार के लंगे करके मारने लगा बेटा से। हमको प्रमोद सिंह आयुषु कुमार पेशाब करवा दिया वो आपका बेटा से। देखिए हम लोग को लगता है कि गलत तो मानते हैं, लेकिन अब हम लोग के कहने से तो नहीं ना कुछ होगा। मेरे पापा खुद नहीं है, गलत साबित होते हैं तो। देखिए अभी हम खुसरूपुर में हैं और यहाँ की एक जो घटना है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और कहा जा रहा है कि मात्र 1500 रुपये के लिए एक महिला को निर्वस्त्र करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है और अपने बच्चे से उन पर पेशाब करवा दिया जाता है और पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सारा घटना खुसरूपुर का है और जो घटना है देर रात्रि का घटना है और हमारे साथ प्रीता है, उनसे बात करेंगे। मैम क्या हुआ था उस दिन? उसका से हम लिए 1500 रुपया, तो 1500 रुपया किससे लिए थे पहले उसका नाम बताइए? उसका प्रमोद सिंह के औरत से, तो हम उसका पैसा दे दिए। पैसा दे दिए तो 2 साल के बाद ही आया कहने के लिए कि हमको ब्याज चाहिए। तो ब्याज के नाम नहीं लिया, कुछ भी के नहीं नाम लिया, खाली कहा पैसा बाकी है। तो हम कहें कि दे दिए हैं, इतने पर वो बेटा के बुलवा लिया और हमको घर में घुस के मारने लगा। आपके घर में घुस के? हाँ, आपका हमको घर में यहाँ पर बेटा को बुलवा के मारने लगा। मारने लगा और आपको निर्वस्त्र भी कर दिया था? हाँ। कहाँ पर? ओकर बाद बिहानी हुआ। अच्छा, कल की फिर घटना है। हाँ, बिहानी होके फिर 6 बजे उठे सवेरे, तक कल पर गए पानी भरने के लिए, तक कल चले वो नहीं किए। और लाठी एगो हजमा था, उसका से लाठी लेके और पूरा मारने लगा, मार लाठी। कल पर 500 आदमी है, आप पूछ सकते हैं सर। तो कोई नहीं, एगो बूढ़ी थी वह लाठी में लटकल था, वही छोड़ाया था। हम ओजा से छूट पड़े तो हम घरे आके घरे चलाए। ओकर बिहानी होके फिर बीता तब लाठी लेके यही सब रोया गोरले रहा था। बिहानी होके उठे तो फिर हम देखें, रात हुआ तो देखें कि कोई आदमी नहीं है। तो हमको कहा कि तो उसका पति कब्जा में हम रख ले हैं, जो चलिए हम लहर से हम चला। आपके पति को? हाँ, कब्जा में रखे हुए था। हाँ, कहा वो कह के ले गया झूठा बोल के, हमको पति रह जाता कामे पर, जहिया रह गया तो हमको लगा कि रोज अप डाउन करवे करता है तो हो सकता है कि चला गया लेके। तो हम लहर में गिए तो पूरा हमको कपड़ा उतार के लंगे करके मारने लगा बेटा से। हमको प्रमोद सिंह आयुषु कुमार पेशाब करवा दिया वो आपका बेटा से मुंह पर। फिर वहाँ सब कैसे भागे? से हम छूट पड़े तो कपड़ा हाथ में हम बटोर ले आ वैसे ही हम दौड़ल चला आए घर। उतना ही हमको होश है, फिर आके हमको कोई होश नहीं। अच्छा, माथा उठा भी आपका फाड़ दिया गया? हाँ, फटल है माथा। फिर उस सब ले गया हॉस्पिटल तब। अच्छा, अभी आपको धमकियों की मिलता है? आपको डर वर है यहाँ पर आ रहे हैं तो उन लोग से? फिर डर तो है, ये है सर, बाकी अभी कुछ माहौल शांत है। अच्छा, वो लोग कैसे प्रकार के आदमी है, किस टाइप के आदमी है? उसका वही व्यवहारी है, कर्ज लगाता है 100 रुपया पर रोज पर अथी पर। गरीब आदमी मतलब मैंने 1000 दिए तो उसका 100 रुपया रोज दीजिए। उसका 100 रुपया रोज? हाँ, उसी के कारण उसका वही व्यवहार है। अभी इनसे मिलने महिला विकास मंच पटना से चलकर बिना मानवी भी आई है, तो अभी हम लोग उनके साथ चलेंगे और आरोपी के घर पर चलेंगे और वहाँ क्या कुछ होता है फिर आपको हम बताते हैं। यही बाल बच्चों को सिखाते हैं। गलत हम नहीं बोले।
महिला काम नहीं देते हैं कि पेशाब नहीं, आप बोले कि महिला गलत है ना सर, महिला गलत है। महिला के बारे में बोले कि अब महिला कहाँ है, तो कितना उम्र हुआ, कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 75। 75 उम्र हो ले, आप अपना बाल बच्चों की यही सिखा, आपका का पोता लगता है ना, भतीजा है। भतीजा है जो पेशाब किया था, वो कौन है? पेशाब हम करते देखबे ना कहीं किया है वो। अगर पेशाब भी मारा ना पिटा ना, कपड़ा उतारेगा, महिला का कपड़ा उतरेगा तो अच्छा लगेगा। महिला को, महिला का कपड़ा उतार दिए, मजाक बनाया हुआ है। बाल बच्चा को यही संस्कार दिया, बुजुर्ग है, मोहल्ला को सिखाना चाहिए। ये बुजुर्ग सिखाए हैं, वही आपका बाल बच्चा कर रहा है। और करिए, आगे जाकर के कोई नहीं मिलेगा तो आप लोग के साथ वो करेगा। हाँ, नहीं तो क्या, आप ही कौन सा तरीका है? बहुत बड़ा दबंग है, आओ ना सामने, दबंग हो तो भगोड़ा की तरह पास आ जाओ जरा। महिला विकास मंच की हम लोग सारी महिला बुलाइए, अपने भतीजा दबंग को सामने दिखा देते हैं कि क्या है। बेचारे बुजुर्ग को यहाँ छोड़ दिया डर के मारे, भाग गया, दबंग है, दबंग है, दबंग है, दिखा देंगे उसको बढ़िया से। बहुत बड़ा बड़ा दबंग देखे हैं, यही करेगा, महिला का कपड़ा उतारेगा, दबंग बोलते हैं। देखिए जिस तरह से खुशरूपुर में एक महिला को वस्त्र जो है हटा करके उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, पेशाब करवाया गया अपने बच्चों से, महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी और पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं। महिला से भी आपने बात किया है, और जो यहां मतलब आरोपी है उनके परिवार से भी, क्या लगा? देखिए आरोपी का परिवार के घर के सामने खड़े हैं ये प्रमोद सिंह के। महिलाएं का कहना ऐसा कुछ नहीं किया, मारा था। अरे भाई तुम महिला हो के मान लो, 2 मिनट मारा ही था, हम मान लेते हैं कि मारा था। 1500 रुपए के लिए मारेगा, 11 बजे रात को खींच के मारेगा, ये पूरे मोहल्ले का मतलब अजीब है। मोहल्ले वाले लोग डर से तो सबसे पहले घर में दबंग बोल रहे हैं। गलत होगा, किस कदर मारा, माथा फूटा है, ये नहीं दिखा, मर जाती तो और निर्वस्त्र मिली तो ये कौन किया? कैसे नहीं कपड़े उतारे? कपड़ा उतारना सही है? बहुत गलत है ये, इसका ये नहीं सोचती है कि घर नहीं बता रहा है। चलो बताओ कौन सा, चलिए घर चलते हैं, चलिए घर बता रहे हैं, घर पर हम लोग चलेंगे, घर बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं। अब हाँ, महिला लोग घर बता रही हैं, चलिए उनके घर पर चलते हैं। पूछे तो सही कि आखिर संस्कार क्या है, बेटा से उसके मुंह में पेशाब कराया प्रमोद सिंह, आखिर ये प्रमोद सिंह का संस्कार क्या है? उनके चाचा जी से बात हुई तो बोलते महिला गलत है। अरे भाई महिला गलत है तो मुंह पे पेशाब कर दीजिएगा, महिला गलत क्या है? पैसा लिया तो पैसा कमाया तो अलग है, ये मानसिकता है, ये मानसिकता, महिला है तो गलत बोल दो, बोलने में कुछ जाता है? क्या दिए बाल बच्चे को, बाल बच्चे को संस्कार क्या दिए? 75 साल के हो गए वो, फिर भी वो मुख, उनके मुख से ऐसे निकल रही की लेडीज गलत है। अरे भाई लेडीज कहाँ से गलत है? ठीक है अगर 2 मिनट के लिए मैं गलत समझ रही हूँ तो उसके साथ अपनी वस्त्र कीजिएगा, उसके मुंह पे पेशाब करवाइएगा, सरासर गलत आपकी परवरिश पे है। अच्छा मैम आप लोग अब आगे क्या कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पटना से चल के यहाँ पर आए, लगातार महिलाओं की मतलब न्याय के लिए मांग करते हैं, आवाज उठाते हैं लगातार। ये देखिए अति शीघ्र सलाम करते हैं खुशरूपुर थाना को, एक मामूली से व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए, आज 3रा दिन हो रहा है और कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रशासन संभालते हैं। तो ये सब देखिए, ये बहुत दबंग व्यक्ति टाइप का व्यक्ति है, पूरा घर पूरा मोहल्ला उसके घर का एड्रेस नहीं बता रहा है, गोतिया में गए। क्या लगता, क्या आप लोग को नहीं लगता है कि यहाँ पर है तो अब हम लोग उनके घर जा रहे हैं? अभी भी नहीं, एक आदमी कोई दूसरा, चार एड्रेस। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति का दबदबा है? बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, हाँ बहुत बेकार आदमी है। और ये सब हिस्सा, आप कौन हो? भतीजी हैं, भतीजी। आपको क्या लगता है आपको जो चाचा किए गलत किए? हम लोग मानते हैं कि मेरा फैमिली गलत किया आंटी, लेकिन हम लोग का ये सब हाथ नहीं है। और रहा बात प्रताड़ित करने का, तो हम तो जानते हैं कि महिला को जो भी हो ऐसा कुछ मैटर हुआ नहीं है, लेकिन अगर जायज़ है कि जब बोला जा रहा है तो वो तो गलत बोला जा रहा है, लेकिन उनका भी हक है ना कि जो मतलब आके सामने में कुछ गलत नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे? नहीं नहीं, अगर प्रमोद सिंह सही हैं, अगर गलत नहीं किए हैं तो उनको सामने आना चाहिए और आके वो बोलते हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया है किए हैं, तो वो तो काम गलत किए हैं। किसी महिला को अगर पुरुष हाथ कैसे लगा देगा, किसी भी तरह के क्यों हाथ लगाएगा, बहुत बड़ी बात है ये। उनको प्रमोद सिंह को तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर वो गलत है तो उनको सजा होना चाहिए? देखिए हम लोग को लगता है कि गलत तो मानते हैं, लेकिन अब हम लोग के कहने से तो नहीं ना कुछ होगा, मेरे पापा खुद नहीं है। गलत साबित होते हैं तो? अगर गलत साबित होते तो वो तो कानून जानेगा, हम लोग कैसे बता सकते हैं, वो तो कानून जानेगा भैया। डरी हुई भी है, इनका पारिवारिक मामला है।